कुछ लोग होते हैं ना बेहद अजीब, जिन्हें पता होता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो रास्ता पागलपन की ओर जाता है, और फिर भी वो चलते रहते हैं, जो कल्पनाओं को जीने लगते हैं, जिनका जहन हमेशा ख्यालों के जंगल में दौड़ता रहता है। अगर इन्हें कोई पागल, यायावर या बावरा बुलाता है तो इनकी बाछें खिल उठती हैं। मैं एक ऐसे ही इंसान को जानता हूँ, लगभग 5 फुट 4 इंच का, जिंदगी के हालातों को हाथों में उछाल उछाल के खेलने वाला एक शख्स जिसका नाम था शंकर। अपने खाली वक्त में वो 10-12 लोगों की भीड़ को कहानियाँ सुनाया करता था, और वैसे वो हर वक्त खाली ही रहता था। मैंने उसकी बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, अच्छी कहानियाँ गढ़ लेता था। एक बार मैंने उससे पूछा, कैसे सोच लेते हो दोस्त? उसका जवाब था, जिंदगी के इत्तेफाक में बहुत सी कहानियाँ होती हैं, और इतना कहकर वो खामोश हो गया। मुझे उसकी बातें अमूमन समझ नहीं आती थी, वो ज़रा ज़रा सी बात पर बिगड़ जाता था, इसलिए उसे छेड़ने में मुझे और मजा आती थी। हालांकि जिस रास्ते पर वो चल रहा था, पागलपन का रास्ता, उस रास्ते पर धक्का देना ठीक नहीं था। मैं शहर में अकेले रहता था, मेरे दोस्त परिवार सब बनारस में थे, और मुझे ज़्यादा दोस्त बनाने पसंद नहीं थे। हालांकि मैं जानता तो बहुत लोगों को था, लेकिन दोस्त बहुत कम ही लोग थे जो बनारस में थे। और मैं बॉम्बे की एक आईटी कंपनी में काम करता था, तो क्या होता था कि हर इतवार छुट्टी होती थी, तो कभी कोई किताब पढ़ ली, कभी कोई फिल्म देख ली, और ऐसे ही पूरा दिन गुजार लेता था। उस दिन भी इतवार था जब मेरी शंकर से दोबारा मुलाकात हुई। उस दिन इतवार था, लेकिन साथ में मंथ एंड था, तो पैसों की तंगी भी थी, और लेकिन घड़ी की सुइयां भी चढ़ रही थी। तो ऐसा आज क्या करना है, कैसे वक्त गुजारना है, ये सोचते हुए मैं दूध की दुकान पे गया जो कि घर के पास थी। दूध की डेयरी पे मैंने दूध लिया और देखा कि डेयरी के बगल में ही लगी बेंच पर शंकर बैठा था। उसने मेरी ओर देखकर हाथ हिलाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दोस्त, आज यहाँ डेरा डाल लिया? उसने कुछ सोचा और फिर हाथ पटकते हुए खुश होते हुए कहने लगा, डेयरी का अगर ई निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, क्या बचेगा? डेरा, है ना, है ना? मैं उसका जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत हंसा। दूध वाले को पैसा देने से लेकर उसके बगल में बैठने के बीच मेरी जितनी स्पीड थी, उसी में मैंने ये पता लगा लिया कि उससे कितना डिस्टेंस रखना है और कितना वक्त उसके साथ गुजारना है। दोस्त, एक बात बताओ, दिन भर कहानियाँ सुना सकते हो क्या? उसने मेरी तरफ देखा और मेरे कंधे पर हाथ धरते हुए कहा, तुम भी तो 24 घंटा सांस ले लेते हो, कहो कौन सी कहानी सुनाऊँ, ड्रामा, सस्पेंस, ट्रेजेडी, क्या सुनोगे? बस फिर क्या था, समय का काटा था, मैं था, शंकर और उसकी कहानियाँ। लगभग 3 घंटे तक उसने मुझे 12 कहानियाँ सुना डाली और फिर चुप हो गया। उसे एकदम चुप होते हुए देख मैंने सवाल किया, क्या सेन साहब, ख़त्म कहानियाँ? वो मेरी ओर देख के बोला, कहानियाँ कायनात के साथ ही ख़त्म होगी, वरना नहीं। मैंने शंकर से कहा, अरे दोस्त सुनाओ फिर, इधर उधर क्या तलाशते हो? उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, इत्तेफाक तलाश रहा हूँ। मैंने शंकर के जहन को परखने के लिए एक सवाल किया, अच्छा मुझे ये बताओ, कहानी तुम्हारे लिए क्या है? वो मेरे सवाल को सुनकर खुश हुआ। उसने मुझसे कहा, कहानी मेरे लिए सब कुछ है, मुझे हर जगह दिखाई देती है, महसूस होती है, और इसलिए ये मेरे लिए भगवान भी है। इन्हीं सवालों की कड़ी में मैंने एक और सवाल किया, अरे ऐसे कैसे तुम्हें हर जगह कहानी दिखने लगती हैं? वो और खुश हुआ। उसने कहा, देखो मैं सबसे पहले तो अपने आप को भीड़ से अलग कर लेता हूँ, मतलब भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को अकेला कर लेता हूँ, फिर उस भीड़ के हर एक चेहरे को परखता हूँ। हर चेहरे के भाव के पीछे एक दृश्य होता है, एक घटना होती है, जिसके धुंधले ही सही पर निशान उस इंसान की आँखें दिखा देती हैं। बस मैं उसी निशानों को लेकर एक तस्वीर बना देता हूँ, मतलब कहानी उतार देता हूँ इन खूबसूरत पन्नों पर। इतना बोलते ही शंकर ने अपने झोले से नीली रंग की एक डायरी निकाली और कुछ लिखने लगा। मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा ने सवाल किया, अरे क्या लिख रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा और गंभीरता से कहा, मैं सिर्फ कहानियाँ सुनाता हूँ, किसी के सवाल का जवाब देना मेरा काम नहीं है। उसकी इस कदर जवाबदेही से मुझे कोफ्त होने लगी, लगने लगा इसके चक्कर में इतवार झोंक दिया इसके चक्कर में। लेकिन एक जिज्ञासा भी थी कि यार ये कैसा इंसान है, ये कैसे इतनी कहानियाँ जी लेता है।
मैंने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे जवाब ना सही, जो लिखा है कम से कम वो तो सुना दो। उसने पेन की निब को कागज़ पर दबाया, शायद उसके ख्याल मेरी बातों की वजह से टूट रहे थे। उसने मेरी तरफ देखकर दांत कीसे और फिर एक टक मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी मैं तुम्हें कैसे सुना सकता हूँ, किसी महफिल में कभी सुनाऊँगा। मैंने शंकर से इनकी बेचैनी को तंग करते हुए कहा, अच्छा मुझे पता है, ठीक है मुझे पता है कि तुम क्या लिख रहे हो, इसलिए मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी शंकर के चेहरे पर सवाल का एक भी भाव नहीं उतरा, वो लिखने की दुनिया में खो चुका था। वो इस कहानी को लिखेगा जो शायद मुझे कभी सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो एक काल्पनिक किरदार हूँ जो इस लिखने वाले ने कहानी गढ़ने के जुनून में बनाया है। बेहद अजीब है ना, इसे पता है कि जिस रास्ते पर यह चल रहा है ये रास्ता पागलपन की ओर ले जाता है, पर फिर भी ये चलता जा रहा है। ये कहानीकार शायद किसी महफिल में लोगों को ये कहानी सुना रहा होगा और कहानी का अंत सुनने वालों के हवाले कर देगा। अपनी डायरी बंद करके वो खड़ा होगा और कहेगा कि मेरा नाम अजगर सेन है और ये छोटी सी कहानी कहानीकार कहानी की तलाश।